पांच साल से दीपांक पढ़ा था, पांच साल से बच्चा नहीं है, स्कूल टीचर भी नहीं है, उसको हम आके इसको रिवाइव किया, स्कूल को उसको रिवाइव करके अभी टीचर भी पोस्टिंग किया, बच्चा भी एडमिशन किया, अभी छह महीना हुआ वो जाके बोलते कुछ नहीं किया है, पांच साल कुछ भी स्कूल था नहीं, बच्चा भी नहीं था, टीचर भी नहीं था, कोई नहीं बोला, लेकिन अभी एयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया, मिनिस्टर एजुकेशन यहाँ का है, वो क्रिटिसिज्म शुरू होता है, मुलेगा एक रॉन्ग इम्प्रेशन भी होता है। अगर सरकार एयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया, ये मतलब नहीं कि ये एयर ऑफ एजुकेशन मतलब ये पूरा अरुणाचल के बजट पर एजुकेशन में दिया है, और ये एक दिन में से कुछ चमत्कारी होगा, ये चमत्कारी एक दिन में नहीं हो सकता। जो हमारे पेमा खांडू सरकार जो पेमा खांडू एयर ऑफ एजुकेशन इसलिए डिक्लेयर किया कि आज हमारा एजुकेशन के स्टैंडर्ड गिरावट में आ गया है, जो पहले का स्टैंडर्ड था 10-15 साल जो पहले हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड था, आज वो स्टैंडर्ड गिर गया है, आज हमारा बच्चा जो क्लास 10 में पढ़ता है वो अपने नाम को लिखना नहीं आता है, किताब को पढ़ने नहीं लिखने आता है, वो कैसे हो गया सर्व शिक्षा अभियान से, सर्व शिक्षा अभियान जब आया तो कहता है कि स्कूल शुड गो टू चिल्ड्रेंस डोर, पहले तो नीति था कि चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, बच्चा स्कूल दरवाजा जाना चाहिए, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान बोलता है कि स्कूल बच्चे के घर में आना है, इसलिए हर दो दो तीन तीन किलोमीटर में स्कूल इतना बना दिया कि हमारे आज हमको 400 स्कूल जो जीरो एनरोलमेंट है, 400 स्कूल हमको क्लोज करना पड़ा है, और क्लोज में आपका नीलम के दोनों स्कूल क्लोज था, ना नीलम के दोनों स्कूल क्लोज था, ये का जो टाइम आया है ये उसको हम रिवाइव किया है, वो हम नहीं किया है, आपके इलेक्टर्स के हिसाब से यहाँ के जो पहले के बीओ सीओ सीआरसी बीआरसी आपके यहाँ से जो ऑलरेडी रिपोर्ट गया चुका है कि यहाँ बच्चा नहीं है, जीरो इनरोलमेंट है दोनों स्कूल में, तो ये स्कूल दोनों पूरा बंद हो गया था, टाइम आके बोलते है नहीं दोनों बंद होने से तो सर आपका भी बदनाम होगा, उसका भी बदनाम होगा, पूरा नीलम लोग का बदनाम हो जाएगा, तो हमने बोला कि बीएस तो आप पता पर कागज लेके आइए दीदी ऐसे से हम उसको रिवाइव कर देगा, तो तुरंत हम इसको रिवाइव कर दिया है, आज रिवाइव करके आपके स्कूल चल रहा है, नहीं तो ये दोनों स्कूल आपका जीरो एनरोलमेंट में था बंद हो गया है, बीएड किया वाला है, डीएलएड किया हुआ है, अपडेट किया वाला है, जो टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो ट्रेनिंग देना चाहिए वो सब लिया हुआ है, लेकिन ये हमारे सर्व शिक्षा अभियान में टीचर का सैलरी टाइमली नहीं मिलता बोल के टीचर लोग अच्छे से ड्यूटी नहीं किया है, टीचर 6 महीने में सैलरी मिलता है, साल भर में सैलरी मिलता है बोल के वो काम नहीं किया है, लेकिन हम जब से हम ये शिक्षा विभाग संभाला है हमारा जो पेमा खांडू सरकार, हम लोग अभी मैक्सिमम 1 या 2 महीना हो सकता है दिले, नहीं तो हम हमेशा एडवांस में स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा दे देता है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देता है उसको हम आप सैलरी को दे देता है, गवर्नमेंट की वजह से पैसा बाद में आता है उसको हम फिर स्टेट एक्सटेकर को पैसा देता है, इसलिए आज 2 साल में अगर टीचर अगर सर्व शिक्षा एसोसिएट टीचर करता है कि हमको दरमा नहीं मिला हम नहीं पढ़ेगा वो बिल्कुल गलत है, इसलिए जो ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया कि ईयर ऑफ एजुकेशन इसलिए डिक्लेयर किया कि लोगों को जागरूकता लेके आने के लिए, आप बस्ती लोगों को जागरूकता लेना है, एनजीओ को जागरूकता लेना है, इवन हमारा टीचर्स को जागरूकता लेना है, स्टूडेंट को जागरूकता लेना है, पेरेंट्स को जागरूकता लेना है, हम सबको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को मालूम होने के लिए इसलिए ये ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया है, ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर यही नहीं है कि पेमा खांडू सरकार एक दिन में आपको पूरा स्कूल पूरा परमानेंट आरसीसी बिल्डिंग बना देगा, हर चीज एक दिन में बना देगा, ऐसे ये रिटायरमेंट तो वही बैठा है और वो ना टीवी कभी देखा ना कभी मोबाइल देखा सब कुछ भूल गया, ऐसे भी टीचर है आज हमारे पास जिसका पास बिल्कुल कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जो पोस्टिंग हो गया पूरी नाचों में बैठा है ऊपर जिंदगी भर बस पोजिशन लेकर 30 साल तो वही उसी जगह पर बैठने वाले भी टीचर है, अब ये टीचर को भी हम लोग रोटेशन एक कंप्यूटर सिस्टम से एक सिस्टम से बनाया गया हम लोग और डेवलप कर रहा है करके हमारे जो जो टीचर है अपने आप ऑनलाइन में बीत करके टीचर तरफ ले सकता है, और साथ ही साथ हमने नो यू टीचर्स
करके एक वेबसाइट डाला है, आप उस वेबसाइट में जाइए, www.education.arunachal.org वेबसाइट में जाइए, उसमें आप नो यू टीचर टाइपिंग करके देखिए और स्कूल के नाम टाइपिंग कीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइपिंग कीजिए, आपको उस टीचर का हर टीचर का फोटोग्राफ मिलेगा, कौन सा साल में टीचर आया है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो डिटेल मिलेगा। और आपके स्कूल में अगर टीचर्स रखते हुए कुछ ड्यूटी नहीं करता है, आप उसमें ऑनलाइन में कंप्लेन कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में कंप्लेन करेगा, उसको हम सरकार की तरफ से एक्शन लेगा, ट्रांसफर करेगा, पे रुकेगा, ये सब करता है।